आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के कुछ सबसे महंगे फलों के बारे में, जिसकी कीमत आपके साल भर के सैलरी से भी ज्यादा हो सकती है। वैसे तो फल बहुत सस्ते और आसानी से अवेलेबल होते हैं, लेकिन इन फलों को एक स्पेशल पद्धति से बनाया जाता है, उगाया जाता है, देखभाल की जाती है और फिर उसे पकाया जाता है। किसी छोटे बच्चे के जैसे इनका ख्याल रखा जाता है, तब जाकर ये फल तैयार होते हैं और लाखों और करोड़ों में बिकते हैं। तो आज ऐसे ही फलों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नंबर वन पर है तायो नो तमागो मैंगोस। यह एक जापानीज आम की प्रजाति है। इसका मतलब होता है अलग तरह का आम। साथ ही साथ इसे एग ऑफ द सन भी कहा जाता है। इस मैंगो को तैयार करने के लिए काफी केयर और ग्रीन हाउस की जरूरत होती है। ऊपर की तरफ से लाल और नीचे की तरफ से पीला यह मैंगो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। टेस्ट में यह मीठा और फ्लेवर में इसका स्वाद अनानास और नारियल के जैसे होता है। इस आम की नीलामी होती है क्योंकि यह इतनी महंगी होती है। सन 2017 में एक आम के जोड़े की कीमत 2.5 लाख रुपए में बिकी थी। इसकी उपज गर्मी और सर्दी के बीच होती है और एक आम का औसत वजन 350 ग्राम के आसपास होता है। मतलब 700 ग्राम आम की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए। इसलिए तो यह आम सबसे महंगे फलों की लिस्ट में शामिल है। नंबर फोर पर है रूबी रोमन ग्रेप्स। यह अंगूर की प्रजाति भी जापान में पाई जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह दुनिया का सबसे महंगा अंगूर है, जिसमें हर अंगूर का साइज एक पिंग पोंग बॉल के समान होता है। साल में यह सिर्फ एक सीजन ही फल देता है। इस अंगूर का दूसरा नाम टेबल ग्रेप्स भी है। 2019 में नीलामी के दौरान एक अंगूर के गुच्छे को 8 लाख रुपए में खरीदा गया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस गुच्छे में सिर्फ 24 अंगूर थे। इसका मतलब है एक अंगूर की कीमत 34,000 रुपए। इसमें से एक अंगूर का वजन कम से कम 20 ग्राम होता है। और इतने महंगे अंगूरों को जापान के लोग एक दूसरे को तोहफे में देना पसंद करते हैं। नंबर तीन पर है सेकाई इची एप्पल। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि यह एप्पल भी जापान में उगाया जाता है। इसे दुनिया के सबसे टेस्टी सेब में माना जाता है। इसका एक सेब 900 ग्राम मतलब 1 किलो के आसपास होता है, जिसकी कीमत 2000 रुपए होता है। यह फल इतना महंगा इसलिए होता है क्योंकि इसे एक विशेष वातावरण में उगाया जाता है। साथ ही साथ ये हैंड पॉलिनेटेड होते हैं। एक शाखा में एक ही एप्पल उगाया जाता है ताकि इसका स्वाद बरकरार रखा जा सके। जापान में इस सेब को शहद में डुबाया जाता है ताकि इसकी मिठास और बढ़ सके। इसलिए तो इसे दुनिया का बेस्ट क्वालिटी का सेब कहा जाता है। नंबर दो पर है डेंसुके वाटरमेलन। इसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट वाटरमेलन माना जाता है, जिसे चखने के लिए आपको जापान जाना होगा, क्योंकि जापान इस वाटरमेलन का निर्यात नहीं करता। इसे एक तरबूज का वजन लगभग 10 किलो या उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जापानी लोग इसे एक बिल्कुल अलग तरह की तकनीक से उगाते हैं। तरबूज की खासियत यह है कि इसे बहुत दिन तक स्टोर करके रखने पर भी इसके टेस्ट में कोई कमी नहीं आती। इसे एक तरबूज की कीमत 7 लाख रुपए के पास है। अगर आपको इसे खरीदना या खाना है तो यह आपको सिर्फ और सिर्फ जापान में ही मिल सकता है। नंबर एक पर है युबारी मस्कमेलन। जब जापान में तरबूज इतना महंगा होता है तो इसका खरबूजा कैसे पीछे रह सकता है। युबारी मस्कमेलन की कीमत भी लाखों में है। यह ना तो सिर्फ जापान का, ना एशिया का, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे महंगा फल है। खरबूज दिखने में तो बाकी खरबूज जैसा ही लगेगा, लेकिन फर्क आपको तब पता चलेगा जब आप इसे खाएंगे, क्योंकि आपके मुंह में रक्त साथ ही घुल जाएगा। एक खरबूज की कीमत 10 लाख रुपए है। तो ये रहे दुनिया के कुछ सबसे महंगे फल और उनकी कीमत। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें से आपका फेवरेट फल कौन सा है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।